हमने गुरुदेव के मुखार से दसवां स्कंध कवर कर रहे हैं। उसी क्रम से गुरु जी बता रहे थे गर्भवासुर धेनु का सुर बदलेगा। बलदेव प्रभु जो धेनु का सुर को वध करते हैं ताल मन भजन लीला और धेनु का सुर बदलेगा, इस प्रसंग को बड़ा हम श्रवण करेंगे। अभी धीरे धीरे ठाकुर जी किस प्रकार के बाल लीला को खत्म समाप्त किए, अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं तो ठाकुर जी के तीन अवस्था आता है, एक बाल अवस्था, एक गोवंड अवस्था उससे थोड़ा ऊपर और गोवंड से और थोड़ा ऊपर किशोर अवस्था। ठाकुर जी में बाध्यक हम जैसे नहीं आता, हमारे जैसे बाध्यक्ष ठाकुर जी को नहीं आता, हर समय किशोर अवस्था, किशोर अवस्था ही तक ठाकुर जी रहते। अब जब ठाकुर जी गोवंड अवस्था में थोड़े बड़े हो गए, अब तो ठाकुर जी केवल जब जीत करेंगे गाय चराएंगे तब नंद बाबा ने उनको बछड़े के साथ भेज दिया, बोले अभी तो तुम लाला बछड़े ही चलाओ, पहले सीख तो लो। फिर अब बछड़े चलाते चलाते जब ठाकुर जी बड़े हो गए और सोच रहे हैं वो गया चलाएगी। तो इस प्रकार के गुरुदेव पहले बताए थे कि तिथि का निर्णय किया जाता है और कार्तिक महीने के अष्टमी तिथि गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी गया चराने जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे ठाकुर जी अभी गोवंड लीला करने कर रहे हैं, थोड़े बड़े हो चुके हैं। तो इस लीला के बारे में सुखदेव गोस्वामी पास बता रहे हैं कि ये लीला बहुत रस तत्व है, क्योंकि अभी ठाकुर जी ब्रज गोपियों के साथ रास करेंगे, ब्रज गोपी के साथ सुंदर सुंदर लीला करेंगे, सखाओं के साथ लीला करेंगे। ये लीला बाल लीला से भी अत्यंत मधुर है, अत्यंत रसपूर्ण है। तो ऐसे करते हुए सुखदेव गोस्वामी पास आगे बोल रहे हैं एक श्लोक में कि राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्टं निवर्हणम् इतो अभिदुरे समूह दूनम तालादि संकुलम्। कि राम राम महाबाहो, जैसे करके ठाकुर जी तालवन में जाने से पहले ये सब लीला को बता रहे हैं कि एक दिन ठाकुर जी राम कृष्ण कृष्ण और बलराम दोनों गय के साथ गय चरने के लिए जा रहे, तो उसी समय पे सखा लोग बोल रहे कि राम राम महाबाहो, देखो ये बलदेव प्रभु कौन है, राम राम इनका राम अर्थात बलराम प्रभु, तो इनके उद्देश्य से बोलने कि राम राम महाबाहो आपके जो बाहु, बहुत समझ में आ रहा है, आपके जो बाहु इतने आप शक्तिशाली हो फिर भी कोई काम के नहीं, आप किसी असुर को वध करते ही नहीं, हमारे कृष्ण को देखो ये इतने पूरा जैसे भी देखने में तो ऐसे छोटे है लेकिन पता नहीं बड़े बड़े असुर को इन्होंने वध कर दिया, पूछना आगा बकासुरा इत्यादि को, तो आपका जो बाहु है आपका जो स्वरूप है आप इतने बस खा के इतने मोटे हो गए बस कोई काम के ही नहीं हो, तो ये क्यों बोल रहे हैं सकालों में बलदेव प्रभु को, क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि उत्तेजित कर रहे हैं। बलदेव प्रभु कौन है, बलदेव प्रभु में भी बहुत शक्ति है, ठाकुर जी के ही प्रकाश से बलदेव प्रभु। तो यहाँ पे बलदेव प्रभु के बता रहे हैं कि एक जगह पे ताल वन था, तो ताल वन ताल एक फल होता है, वो ताल फल में बहुत सुंदर सुंदर बहुत सुंदर फल है, हमारे उड़ीसा में और हमारे बंगाल में विशेष करके
बहुत मात्रा में मिलता है, जगन्नाथ जी को भी भोग लगता है ताल का। तो इससे जो ताल था इसका सुगंध इतना सुगंध था, इतना सुगंध था कि इसके सुगंध को एक ताल बनता है, ब्रज के एक हिस्सा में ताल बनता, तो उसी ताल मन से बड़े बड़े ताल का फल था, तो उससे सुगंध आ रहा था। तो ये सखा लोग सोच रहे हैं कि हम वहां पे जाएंगे और ताल भक्षण करेंगे, ताल खाएंगे, लेकिन वहां का रहता कौन है? वहां पे असुर है, वो किसी को अंदर प्रवेश करने देता नहीं, धनुका असुर है वहां पे। तो इसीलिए बराह पुराण में बता रहे हैं उस ताल वन की महिमा कि वो मथुरा से पश्चिम दिशा में है और एक जुजन विष्णु से इतना बड़ा ताल वन है। बराह पुराण में बता रहे हैं एक जुजन बहुत इतना बड़ा ताल वन है, कम से कम 14-15 किलोमीटर तक पूरा इतना होगा एक जुजन। तो इतना बड़ा ताल वन है, उसमें बस एक गधवासुर अर्थात एक गधा धेनुकासुर ये रहता था। तो ये अपने पत्नी और अपने परिवार के साथ मित्र के साथ उसी वन में रहता था। और ये कौन सा इसके स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं कि ये पक्षी को तो भक्षण कर देता था, पशु पक्षी को तो मार देता था, लेकिन ये नरभोजी था, ये मनुष्य को भी ये मार देता था। इतना पूरा राक्षस था, भयंकर था, इसके स्वरूप भयंकर था। जिस प्रकार गधे लोग कर्कश स्वर करते हैं उसी प्रकार का ये कर्कश स्वर करता था। तो उसके डर से देवता भी कांपते थे, देवता भी उसी वन में प्रवेश कभी नहीं किए, और वो किसी को भी ताल का फल लेने नहीं देता था। और बता रहे हैं बराह पुराण में कि देवता लोग क्या पीते हैं, सोम रस पीते हैं, ताल में एक विशेष प्रकार का रस निकलता है, तो देवता लोगों को भी देता नहीं। वो अपने के इस ताल का जितना भी है, जितना ताल है और ताल का रस है, ताल का मिश्री है, सब कुछ ताल मन से जो निकलता था वो अपने मित्र कंस को दे देता था। इस प्रकार का वो राक्षस था, जो भी ताल मन में प्रवेश किया, प्रवेश करे तो उसको वो मार देता था। तो अब यहाँ पे सखा लोग बोल रहे हैं, उकसा रहे हैं बलदेव प्रभु को, बोले तुम्हारे तो बाहु बड़े बड़े, राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निवारण, कि देखो हमारे कृष्ण कितने दुष्ट को विनाश करे हैं, लेकिन आपको कुछ करते हो नहीं। तो बलदेव प्रभु को ऐसे जब उत्साह दिया तो वहां पे बलदेव प्रभु तो बोले भाई अब तो करना पड़ेगा। फिर बलदेव प्रभु वहां पे कृष्ण बलराम बोलते हैं चलो ताल खाने चलते हैं। फिर जैसे कृष्ण और बलराम सखा के साथ ताल वन में जाते हैं तो वहां पे बलदेव प्रभु कौन है, अखंड गुरु तत्व है, इनके ऊपर जो ये अनंत शेष है, बलदेव प्रभु शेष के स्वरूप है, इनके ऊपर देखना हमारे जो बलदेव प्रभु का विग्रह है ना, उनके विग्रह के ऊपर क्या चिन्ह है, शेष का चिन्ह है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शेष है, जिस प्रकार के कारण दर्शाए विष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं, ये बलदेव प्रभु एक रहेगा कहाँ पे ब्रह्मांड, तो बलदेव प्रभु इसको सोर्स के भांति राई के भांति अपने सर पे धारण कर लेते, इतना शक्तिशाली बलदेव प्रभु है। तो बलदेव प्रभु जब जाके वो ताल का जो पेड़ होता है, वो नारियल का पेड़ देखो ना, नारियल का पेड़ जिस प्रकार का उसी प्रकार का बड़े स्ट्रंग पेड़, तो उस पौधे को फिर जोर जोर से हिलाने लगते हैं, और जब हिलाते हैं तो वो पके हुए ताल धीरे 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 वहां से सब हिल के पेड़ से नीचे गिरता है। अब इसको जब देखते हैं कि शब्द जब होता है, ताल गिरने का शब्द होता है, सब सकालों तो आनंदित हो जाते हैं। इतने में जो गधवासुर था, धेनुकासुर था, वो गधे के रूप धारण करता है और भयंकर कर्कश स्वर करता है और दौड़ते हुए बलदेव प्रभु के पास क्रोध में आता है। और बलदेव प्रभु को यहाँ पे गुरुदेव बता रहे थे कि दौड़ती मारना, कि ये होता है ना पीछे से मारते हैं, पीछे से जो भक्ति लोग पीछे से उलट के ऐसे मार देते हैं पैर से, तो दुलती मारना। तो उसी प्रकार ने तो दुलती बोलते ना, क्या बोलते हैं, घोड़ा गधा किसे मारता है, पीछे से मारना, पीछे से क्या बोलते हैं, दुलती बोलो तो उसमें बोलते हैं कि पीछे से, तो पीछे से आके मार देता है। तो जब गधा जब मार दिया तो बलदेव प्रभु के पहले बक्षिस्थल पर प्रहार करते थे, फिर वो भागते किस प्रकार के बलदेव प्रभु को मारूंगा, बलराम है मतलब बलदेव प्रभु को मारने की कोशिश करता है। अब जब ये मारने का मौका देखते इधर उधर घूम के वहां पे आता है, और अभी वो बलदेव प्रभु के मुख के और अपना पैर मारने के लिए जा रहा था, उसी समय बलदेव प्रभु ने उसको दो पैर को पकड़ लिया। अब दो पैर को जैसे ही पकड़ लिया, पूरा घुमा घुमा के बलदेव प्रभु ने
उसको पूरा घुमाए ऐसे घुमाए कि उसके प्राण त्याग कर दिया वो गर्भवास को। वो गधा को इतना घुमाया और बलदेव प्रभु ने उसको बंद कर दिया और उसके बाद उसके जो प्राण जो अंतिम जो शरीर था प्राण विहीन शरीर था उसको ताल वृक्षों पर फेंक दिया और इतने में बहुत शब्द हुआ जिससे वो गिरा ना बहुत शब्द हुआ। तो इसको देख के उसके जो मित्र लोग थे गधे के मित्र क्या है गधा गधे की पत्नी गधी तो उसके पत्नी और उसके सब मित्र वहां पे आते हैं तो भाग के क्रोध से आते हैं देखते हैं मित्र मर गया और देख के क्रोध से आते हैं। तो अब कृष्ण और बलराम मिलके सब गधे को वहां पे मार देते हैं। फिर इसके बाद बता रहे थे सब गधे को जब मार देते हैं तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो देवता लोग ये भी डरते थे देवता भी और उनको भी सोमरस प्राप्त नहीं हो पाता था देवता लोग भी डर जाते थे। सबसे पहले तो देवता बड़े प्रसन्न हुए और ऊपर से पारिजात पुष्प आदि वृष्टि किया पारिजात पुष्प ठाकुर जी के ऊपर स्वागत किया कि इन्होंने ये वन को असुर रहित कर दिया शत्रु विहीन कर दिया ये वन को। अब देखो ये वन में पहले ये रहता था अब ये फल किसके काम में आएगा ब्रजवासियों के काम में आएगा। लेकिन जिस समय ठाकुर जी ने गधा को पूरा का पूरा घुमा के मारा तो उसी समय गधा ने मलपुत्र विसर्जन किया और खून खून से लटपट के वो ताल वन पूरा खराब हो गया। अब सकाल बोलते हैं अब तो हम यहाँ से फल नहीं खाएंगे चलो। फिर बाद में वहां पे सकाल जब घर जाते हैं तो बोलते हैं मैया मैया पता है आज दाऊ भैया ने एक गधा को मार दिया। उनको क्या पता है कि असुर है ये मधुर वास भाग के सेवक है उपासक है सकाल उनको क्या पता कि ये भगवान है इनको ये पता नहीं है। तो बोलते हैं कि आज भाई मैया मैया आज दाऊ जी ने और कृष्ण ने मिलके बड़े बड़े गधे को पूरा का पूरा मार दिया। फिर इससे आगे गुरुदेव बता रहे थे कि ये गधा कौन है ये गधा को क्यों मारा ये गधा का स्वरूप बता रहे थे कि यहाँ पे हमारे भक्ति नो ठाकुर बोलते हैं कि ये गधा कौन है कि स्थूल बुद्धि वाला स्थूल बुद्धि अर्थात जिसके आत्मा अनात्मा में कोई ज्ञान नहीं हो जो मैं और मेरा बस अपने अहंकार के स्वरूप को ही बुद्धि के रूप में स्वरूप को ही हर समय उसमें ही भोग वृद्धि करता है अपने स्वरूप को शरीर को लेके उससे कोई आत्मा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं उसे स्थूल बुद्धि कहते हैं। तो गधा कौन है न स्थूल बुद्धि है और कौन है कि विचार भी न ये कोई विचार नहीं करता इनमें कोई बुद्धि ही नहीं। बोलते हैं ना कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल नहीं है तुम गधा के जैसे हो इसका मतलब क्या है कि विचार शक्ति नहीं है। फिर गुरुदेव बोल रहे हैं कि सत्ज्ञान का अभाव है विचार शक्ति क्यों नहीं है क्योंकि उनको ज्ञान का अभाव है ज्ञान ही नहीं है कौन सा चीज करना चाहिए कौन सा चीज नहीं करना चाहिए सत और असत वस्तु का ज्ञान नहीं है तत्व सिद्धांत विरोधी है तत्व सिद्धांत में विरोधी इसलिए कि तत्व सिद्धांत उनको पता नहीं तत्व सिद्धांत में ये अंधता है और स्वरूप ज्ञान का विरोधी है जो स्वरूप ज्ञान है हमारा हमारा स्वरूप क्या है ठाकुर जी के नित्य ध्यास जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास जीव का स्वरूप तो भगवान के दास है इसका विरोधी है। तो इसका मतलब बोल रहे हैं कि वो पूरा का पूरा बोलना चाहते हैं कि स्थूल बुद्धि आत्मा को ही आत्मा परमात्मा में उसको कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे थे कि गुरुदेव तो इस प्रकार बलदेव प्रभु ने सबसे पहले क्या किया कि सब चीज को एक एक करके विनाश किया मानो कि बलदेव प्रभु ने स्थूल बुद्धि आत्मा आत्मा अनात्मा को जो भेद विचार नहीं करता है उसको विनाश किया और मूर्त के स्वरूप जो इसको भी बोलते हैं मूर्त के स्वरूप को भी बोलते हैं प्रभु ने विनाश किया और स्वरूप ज्ञान विरोधी जो स्वरूप ज्ञान नहीं पता उसको भी बोलते हैं प्रभु ने विनाश कर दिया। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरुदेव बोलते हैं कि जीव का क्या सोचते हैं जीव का जो शरीर में जीव सोचते हैं कि हम लोग अभी कुछ ना कुछ करेंगे और जिस प्रकार का भजन नहीं करने का कारण बता रहे थे कि भजन क्यों नहीं करते क्योंकि ये लोग आत्मज्ञान को विशेष रूप में जान नहीं पाते स्वरूप ज्ञान कृष्णदास से जान नहीं पाते इसलिए गधे के जैसे काम करते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि गधे मेरे मतामी करे परिश्रम गधे के जैसा हम परिश्रम करते हैं दिन रात भागते रहते हैं फिर कार लगे इतने करे ना बुझे बुझे भ्रम किसके लिए ये सब करते हैं ये भ्रम को हम कभी समझ नहीं पाते तो किसे रे संसार में छाया बनी प्राय बलदेव प्रभु इसलिए कृष्णा सबसे पहले पुतना को मारा थे किसको मारा थे पुतना पुतना मतलब क्या जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है
हैं, पहले कृष्णा और बलदेव प्रभु सबसे किसको मालिक गधे को, ये गधे को उन्होंने मारे। हम कहते ना तू क्या के गधा है, गाली देते ना तू क्या गधा, गधा मतलब जिसका कोई बुद्धि ही नहीं। इसलिए कहते जगत में किसका बुद्धि ही नहीं है, कहते जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं कहते वो सबसे बड़े गधे हैं, और जो भगवान की भक्ति करते हैं ना वो सबसे बड़ा पंडित है, उससे बड़ा पंडित जगत में कोई नहीं। जो भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, कहते पृथ्वी में सबसे बड़े विद्वान वही है। भले ही जगत का कोई गुण नहीं लेकिन भगवान की भक्ति करता है समझो बड़ा विद्वान है, और जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं कहते वो गधा है। इसलिए बलदेव प्रभु गुरु तत्व है, इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने ये अज्ञान अविद्या को बलदेव प्रभु ने नाश किया। इसलिए इसका बहुत तत्व है, ये कल सुनाएगा, आज हम लोग कृष्ण कथा सुन लेते हैं, ठीक है। अभी हम आज हम लोग सुनेंगे काली दमन की लीला, कृष्ण कैसे काली नाग को दमन किया। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं स भगवान कृष्ण वृंदावन चर क्वसित जजो रामामृत राजन कालिंदी सख भी प्रित। बोले एवं, बोले एवं मतलब क्या, कहते अभी कहते जब भगवान कृष्ण कार्तिक महीना को बाद में है, जब कार्तिक महीना में अभी कृष्ण गोचारण करने के लिए गए गोपाष्टमी का दिन, पहले जब बछड़ा चराए थे तो उन्होंने गोपाष्टमी का दिन ही बछड़े चराए थे, लेकिन जब धीरे 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 वही बछड़े जो बड़े हो गए ना, कृष्ण तो बछड़े चढ़ाते ना, वही बछड़े जो बड़े हो गए वो गैया हो गए। लेकिन अभी क्या होता है, वो जो बछड़े अभी कृष्ण के साथ में जाते थे, लेकिन कृष्ण जिन बछड़ों को चराया करते थे वो कोई साधारण बछड़े नहीं, कहते बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग और वेद का जो ऋचा है, कहते ना गरुड़ नारद आदि ये सब के सब बछड़े बन कर के आए। लेकिन वही जब धीरे धीरे बड़े हो गए ना, अभी तो उनको और कोई व्यक्ति चराएगा, अभी कृष्ण तो बछड़े चराएंगे, लेकिन अभी क्या होता है वो जो बड़े हो गए ना और कृष्ण के बगैर वो जाना नहीं चाह रहे, कहते हम जाएंगे तो केवल कृष्ण के साथ में जाएंगे और किसको साथ में हम जाएंगे नहीं। इसलिए फिर जब कृष्ण बड़े हो गए फिर उन्होंने फिर गोपाष्टमी का दिन उन्होंने फिर बड़े बड़े गैया को चराए, पहले तो बछड़े को चरा रहे थे, बछड़े चराए गए थे पास में, लेकिन जब गैया चराएंगे ना फिर दूर में जाएंगे, लेकिन पास में गोपियों को साथ में राधा रानी को साथ में लीला नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब दूर में जाएंगे ना तब ये गोपियों के साथ में राधा रानी को साथ में कृष्णा लीला कर सकते हैं। कहते जो गोपाष्टमी कहते लीला को समाप्त करके अभी ग्रीष्मकालीन आ गया, गर्मी का समय आ गया, गर्मी का समय आने पर बोले एवं भगवान कृष्ण वृंदावन चर क्वचित जजो रामामृत राजन कालिंदीम सखी विवृत। कहते कृष्ण जब कभी कभी विशेष विशेष कोई लीला करते थे उसी दिन दाऊ भैया नहीं जाते थे, हैं जिस दिन जो वत्सहरण किया ब्रह्मा जी ने बछड़ा उसने बलदेव प्रभु थे नहीं। अभी कृष्ण आज कालियों को दमन करना चाहते हैं, इसलिए अभी बलदेव प्रभु का जन्म नक्षत्र आ गया, जब उनको जन्म नक्षत्र आ जाता था कृष्ण को भी बलदेव प्रभु को अगर आ गया तो बलदेव प्रभु नहीं छोड़ते थे, बोले क्यों, वो स्नान करा के उनको हाथ से संकल्प करा के ब्राह्मण को गैया दान देंगे, कुछ शुभ काम करेंगे, जन्म तिथि आ गया। इसलिए जिस दिन कालिया नाग को नथन किया वो बलदेव प्रभु नहीं थे, क्योंकि बलदेव प्रभु तो कृष्ण को अंतर घुसने नहीं थे, हैं, इसलिए इस दिन बलदेव प्रभु थे ही नहीं। बलदेव प्रभु अभी अभी कृष्ण जब गैया चराते हुए गए, इतने कृष्ण जाने से पहले जितने सखा लोग और गैया थे ना, गर्मी का समय था, गर्मी के बड़े बड़ा तृष्णा लगता है, वो बड़े तृष्णा से कृष्ण जाने से पहले वो आगे आगे चले गए, और आगे आगे जा करके जो काली ह्रद था वो काली ह्रद में ऐसे जहरीला था, वो पानी इतने जहरीला था जैसे पानी उबलता था, उसका जहर से पानी उबलता था, ऊपर में कोई चिड़िया भी उड़ करके नहीं जा सक सकते थे, अगर उड़ कर गए तो उसमें गिर जाते थे, आस पास में कोई पेड़ पौधा भी वहां पर नहीं था, इतने जहरीला पानी था। इतने में सखा लोग गए और गैया गए केवल पानी को स्पर्श करते वहीं पर सबके सब
बेहोश। जब सबके सब बेहोश हो गए, इतने में कृष्ण पीछे पीछे आए, आकर देखा सारे गैया सखा लोग तो बेहोश होकर पड़े हुए। इतने में कृष्ण अपना अमृतमय दृष्टि को धरा, उनको फिर उनके प्राण दान दिए। जब प्राण दान दिए ना, उनको लगा जैसे हमने कोई अचानक जैसे मर गए थे ना, सबके सब मर गए थे और मरते हैं उनके बाद जिंदा हुए, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन ऐसे उनको लग रहा था जैसे कोई जादू टना हो गया है, मरे हुए व्यक्ति जिंदा हो गया, बड़े आश्चर्य की बात है, जैसे कोई जादू टना जैसे हो गया। फिर उनको लगा हाँ, इसलिए जब गर्गाचार्य कृष्ण का नामकरण किया था, उन्होंने बताया था, क्या बताया, नारायण समगुणई, तुम्हारा जो बेटा है ना नारायण का कुछ गुण तेरे बेटे में प्रकाश होगा। बोले इसलिए कन्हैया हमको बारंबार बड़े बड़े विपत्तियों से हमको रक्षा कर लेता है कृष्ण। तो यहाँ पर फिर प्रश्न करते हैं, क्या ये जहरीला जो पानी में इतना क्या शक्ति था, जो कृष्ण के सखा लोग, कृष्ण सखा कौन है, वो साधारण कोई जीव नहीं, ये बलदेव प्रभु का प्रकाश है, जहर से कौन मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन ठाकुर का जो सखा और गैया जो वेद के ऋचा है और गरुड़ और नारद आदि इतने बड़े साधु है, हैं, क्या ये लोग साधारण जहर, क्या इनसे ज्यादा प्रतापी ना इनसे ज्यादा प्रभावशाली, जो बछड़े और सखाल को स्पर्श करते मर जाएंगे, मर सकते हैं क्या? बोले नहीं मर सकते। बोले फिर दिखाई पड़ा जैसे कृष्ण का गैया और सखाल वहां मर गए थे सबके सब। कहते यहाँ पर जो माया, क्योंकि कृष्ण का जो लीला है ये नरबत लीला, नरबत मतलब साधारण जैसे कि इंसान करते हैं काम, वैसे कृष्ण कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे लीला। इसलिए मानो योग माया को द्वारा, योग माया ने उनको प्राण को आच्छादन कर दिया था, लेकिन कृष्ण जब अमृतमय दृष्टि दिया, फिर सखा लोगों ने पुनर्वार उन्हें जीवित हो गए, लेकिन जहर में नहीं मर सकते, जहर से मर ही नहीं सकते। अभी कृष्ण सोच रहे हैं इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी आ गया वृंदावन में, अभी सुंदर सुंदर लीला करूंगा तो लीला में व्याघात देगा, इसलिए यहाँ से उसको निकाल देनी चाहिए। पर यहाँ प्रश्न करते हैं, फिर जब वहाँ सारे आसपास में कोई वृक्ष नहीं रहा, आकाश में कोई चिड़िया जाए तभी मर जाए, पर ये कदमों का वृक्ष, जिस वृक्ष के ऊपर में कृष्ण चढ़ करके पानी में छलांग लगाए, पर ये वृक्ष कैसे रह गया, वो वृक्ष भी तो मर जाना चाहिए था ना, लेकिन वो वृक्ष कैसे जिंदा था? तो उसको पीछे दो कारण बताए। पहला कारण बताए, लगता है कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो। इसलिए वृंदावन का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, मानो ये वृक्ष कोई कृष्ण भक्त है, वो वृक्ष रूप में जन्म हुआ है, वृक्ष रूप में वहां जन्म हुए। बोले क्यों? बोले कृष्ण जब आएंगे द्वापर युग में, मेरे ऊपर में ठाकुर जी चढ़ेंगे, चढ़ करके जमुना में कूदेंगे, सखाओं को साथ में खेलेंगे, जब वहां से कालिया को भगा देंगे। अभी वो कृष्ण का रमण का स्थान हो गया ना, कृष्ण पेड़, जैसे बचपन में बच्चे लोग पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं कूदते हैं, कृष्ण खड़े होकर कभी बंसुरी बजाते हैं। मानो कृष्ण का कोई भक्त है, जो भगवान आएंगे उनका चरण स्पर्श मिलेगा, मेरे वृक्ष के ऊपर में ठाकुर जी चढ़ेंगे, मानो कोई भक्त वहां पर वृक्ष रूप में जन्म लिया था। बोले ये एक कारण है। बोले दूसरा कारण क्या? बोले दूसरा कारण है, कहते ये सत्य जो की बात है, कहते कश्यप के दो पत्नी थे, एक कद्रु और एक भिन्नता। अगर एक पति का अगर दो पत्नी हो, आपको पता होगा घर में क्या होता है, दिन भर नाटक चलता है, दिन भर घर में नाटक चलती रहती है, ए दोनों में घमासान लड़ाई, तूने ऐसे कर दिया, तूने ऐसे बोला, तूने ऐसे किया, बस दिन भर घर में लड़ाई झगड़ा। अभी लड़ाई झगड़ा एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हैं। बोले एक समय आकाश में एक पखिराज घोड़ा, जो आकाश में उड़ता है घोड़ा, वो उड़ते हुए जा रहा था। इतने में जो कद्रु, ये कद्रु कौन है, ये सांप के माँ। बोले भिन्नता कौन? बोले गरुड़ की माँ, गरुड़ का माँ भिन्नता, और कद्रु का सांप का माँ कद्रु। जैसे सांप जैसे जहर ले ना, उसका स्वभाव भी ऐसे जहर ले, वो बात बात में टांग टांग अड़ा करके झगड़ा करना चाहती है। वो बिना कारण से उसने बताया, बताओ तो भिन्नता, ये जो पखिराज घोड़ा उड़ते हुए जा रहा है, उसका पूंछ सफेद ना काला? तो भिन्नता ने बोली ये सफेद दिख रहा है। बोले तेरे को तो सब सफेद सफेद दिखता है, तो काला, बिना कारण से झगड़ा कर रही है, वो सफेद, कहते तो काला। बोले काला कैसे दिख रहा है सफेद?
बोले सफेद का काल, अब ये काला सफेद को लेकर के ना दोनों में छिड़ गए लड़ाई। बोले काला नहीं हो तो, बोले सफेद नहीं हो तो, बोले काला नहीं हो तो, बोले सफेद नहीं हो तो, लड़ाई चली गई। लड़ाई चली गई, इतने में कद्रु कहती हैं, अगर ये सफेद अगर निकलेगा ना, मैं जिंदगी भर के लिए तेरी दासी बन जाऊंगी। भीनता बोले अगर ये काला नहीं निकला है, अगर काला नहीं निकला ना, अगर ये काला है फिर तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर के लिए तेरी दासी में बन जाऊंगी। बोले देखो, लेकिन था सफेद काला था। इतने में वो कद्रु ने क्या किया, उसका बच्चे सर्प है, उसने अपना सर्पों को आदेश दिया, ये तो सफेद है, तुम एक काम करो, आकाश में उड़ते हुए जाओ और उसको पूंछ में लपेट करके उस सफेद को काला बना दो। उसका एक बच्चा सर्प किया क्या, वो उड़ते हुए गया और उसका पूंछ में लपेट करके जो सफेद था उसको उसने काला बना दिया। बोले देखो, अभी काला नहीं सफेद निकला, काला किला क्या निकला, काला। अभी तो जो भिन्नता, कौन थी भिन्नता, गरुड़ जी की माँ, अभी चिरकाल के लिए कद्रु की दासी बन गई। अगर कोई एक पति का दो पत्नी हो, सौदरी हो, अगर दासी बन जाए ना, क्या उपद्रव करती थी। बोले मेरे जूता साफ कर, घर में झाड़ लगा, बिना कारण से थप्पड़ मारती, वो दासी बन गई ना। जिस दासी के ऊपर जैसे अत्याचार करते हैं, वो उसको ऊपर में अत्याचार करती है। अभी गरुड़ था बच्चा, जब गरुड़ धीरे 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 बड़ा हो गया, बोले ये तो दोनों ही कश्यप की दोनों पत्नी, राजकुमारी दोनों, लेकिन ये माँ, मेरी माँ के प्रति इतने अत्याचार क्यों करती है, नौकरानी चकरानी जैसे करती क्यों। एक दिन उसने अपना माँ को बोले, बोले माँ क्या बात है, ये ऐसे तुम्हारे पर दुर्व्यवहार क्यों करती है। बोले बेटा ऐसे ऐसे एक दिन घटना हुआ और उसने बदमाशी करके अपना बच्चे को बोल करके सफेद को काला बना दिया, मैं दासी बन गई, इसलिए मेरे ऊपर ऐसे अत्याचार करती है। अभी गरुड़ तो भगवान का वाहन है, इतने में उसने कद्रु के पास में गई, बोले माँ मेरे तुमको क्या देने पर संतुष्ट होकर के मेरे माँ को तू दासी पने से मुक्ति दिला सकती हो, बताओ तू चाहती हो क्या। बोले लेकिन कद्रु चाहती नहीं, ये मेरी दासी पने से मुक्ति नहीं चाहती। बोले ऐसे काम बताऊंगा ना जो गरुड़ कर नहीं सकता है। बोले छोड़ सकती हूँ, अगर कोई स्वर्ग से अमृत को लेकर के आ जाए, स्वर्ग से अमृत को ला करके अगर मेरे को दे दोगे ना, तेरी मैया को दासी पने से मैं मुक्ति दिला दूंगा। अभी गरुड़ का पराक्रम उसे क्या पता, गरुड़ क्या कर सकता है, उड़ते हुए गया, कहाँ स्वर्गलोक में उड़ते हुए गया, जाकर के उन्होंने इंद्र को सारे बात बताया, ऐसे ऐसे बात है, मैं अपना माँ को दासी पड़े से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत चाहता हूँ। इंद्र बोले अमृत, ये अमृत केवल देवताओं का भोग्य है, नर भोग्य नहीं, ये वर्त जगत में जा ही नहीं सकता है, नहीं तो स्वर्ग का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, स्वर्ग क्यों जाना चाहते, बोले अमृत स्वर्ग में, फिर स्वर्ग का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसलिए अमृत हम नहीं दे सकते। बोले अगर आप नहीं दोगे फिर अपना पराक्रम दिखाऊंगा, फिर पराक्रम को फिर मैं दिखाऊंगा। बोले क्या दिखाओगे, बोले देखो मैं क्या करता हूँ, अमृत को पाना कोई साधारण बात नहीं, जहाँ अमृत रहता है ना, पहले एक अग्नि चक्र घूमती है, उसको बाद में एक वायु चक्र घूमती है, उसको बाद में एक काल चक्र घूमती है, उसको पीछे एक काल सर्प बैठा हुआ, इतने को अगर कोई क्रॉस करते हुए जाएगा ना, फिर तो ये अमृत हाथ में आने वाले, लेकिन ये अमृत सहज में हाथ आने वाले नहीं। लेकिन गरुड़ तो ठाकुर जी का वाहन है, उसने गरुड़ गया पराक्रम करते हुए, सारे जितने चक्र था ना, वायु चक्र, अग्नि चक्र, काल सर्प, जितने काल चक्र को सब भेद किया, और भेद करते हुए अंदर में गया और जोर जबरदस्ती जितने देवता थे सबको मार मार कर भगाया, और जोर जबरदस्ती अमृत कलश को उठाया और उठा करके लाए। जब ला रहे थे, इतने में इंद्र हाथ जोड़ करके बोले गरुड़, अगर ये अमृत अगर मरते जगत में चली जाएगी फिर तो ये स्वर्ग का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसलिए तुम क्यों अमृत चाहते हो। बोले मैं अपना माँ को दासी पड़े से मुक्ति दिलाने के लिए। बोले तुम जब अपना माँ को ये अमृत कलश दे दोगे, मुक्ति दिला दोगे, अगर हम फिर अमृत कलश ले, बोले फिर तुम लोग जो कुछ करना करो, मेरी माँ को मुक्ति मिल जाए। इतने में जिस समय वो अमृत कलश लाया था, वो चार जगह पर उन्होंने ये कलश रखा था, इसलिए जहां जहां रखा था ना, ये सत्य युग की बात है, अभी भी जिस पेड़ के ऊपर रखा था अभी भी वो पेड़ जिंदा है, अभी भी वो पेड़ जीता। बोले कहाँ कहाँ रखा था,
बोले एक वृंदावन में, वृंदावन में एक यहाँ पर काली और रथ देखते ना कदम वृक्ष, एक वहां पर रखा था इसलिए पेड़ जिंदा है। बोले दूसरे कहा नासिक में, तीसरा बोले हरिद्वार में, बोले चौथा उज्जैन। इसलिए 12 साल बाद में एक कुंभ मेला वहां पर होता है, एक 12 साल बाद में वो कुंभ मेला होता है, हैं कुंभ मेला होता है। इसलिए कुंभ मेला क्यों होता है, कारण क्या, बोले कारण है चूंकि वो जो अमृत कलश ला करके वहीं रखा था इसलिए कुंभ मेला हो रहा है। लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी परिकृत को भागवत कथा सुनाने जा रहे थे उसी समय में ये देवता लोगों को पूरा के पूरा ये अमृत कलश ला करके उन्होंने बोले ये अमृत कलश ले लो परिकृत को पिला दो अमर हो जाएगा, लेकिन ये जो भागवत कथा अमृत हमें पिला दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तथा देवा जहा ससा भगा दिया देवता को, बोले तुम लोग बड़े कामी बड़े स्वार्थी, मतलब ही है ये अमृत को पाने का, भाग जाओ यहाँ से, भगा दिया वहां से उनको, वहां से भगा दिया। इसका तात्पर्य है कृष्ण कथा को सामने है ना, ये अमृत का कोई महत्व नहीं, ये अमृत का कोई भी महत्व नहीं। इसलिए वो वृक्ष को ऊपर रखा था, इसलिए चुके सारे वृक्ष तो मर चुके थे लेकिन वो जो वृक्ष था वो वृक्ष अमर बना हुआ था, है इसलिए कृष्ण ने क्या किया वो वृक्ष के ऊपर कृष्ण चढ़े और चढ़ करके उन्होंने छलांग लगाए। बोले कहाँ छलांग लगाए, बोले काली हरद में उन्होंने कमर में अच्छे तरह से अपना फेटे को बांध दिया। सखाओं को कहा तुम लोग यहीं पर बैठो, मैंने सुना गौरव जब अमृत लाया था ये वृक्षों के ऊपर रखा था, हो सकता है थोड़ा अमृत होगा तुमको पिलाऊंगा तुम बैठो, नहीं तो कृष्ण को तो चढ़ने नहीं देते ना। इसलिए उन्होंने पूरा पेड़ के ऊपर चढ़े, चढ़ करके उन्होंने लगाया छलांग। किस में छलांग लगाए, हरद में छलांग लगाए, इतने जोर से छलांग लगाए ना, बोले एक धनुष 100 धनुष पानी पूरा के पूरा ऊपर छलांग उछल करके चला गया, मतलब 400 हाथ है, 400 हाथ पानी एकदम ऊपर में उछल करके चला गया। और वहां पर जो कालिय था है, कालिय था उसका अंदर में है एक टापू सा था, काली वो रहता था कहाँ पर, वो ह्रद, ह्रद मतलब क्या है, जमुना में नहीं कहते ना, जमुना में नहीं, जमुना में नहीं रहता था, अगर जमुना में अगर रहता तो क्या होता, पानी बोलता था ना, तो पूरा जमुना पानी तो जहरीला जहरीला हो जाता, मथुरा के लोग मर जाते सबके सब, वो पानी जहरीला था ना, चार तरफ में फैलता था पानी, तो जो पिएगा तो मर जाएगा, फिर मथुरा में कृष्ण वृंदावन लीला कैसे करेंगे। कहते वो था ह्रद, ह्रद मतलब है जमुना से एक धारा अंदर में चला गया था, अंदर में जा करके वो एक एक क्रोश तक जो पानी है वहां पर एक एक सा ह्रद सा बन गया था। ह्रद बनने पर वो जो वहां पर टापू में गुफा को अंदर में रहता था पानी, जब इतने जोर से उछला इतने में उसका अंदर में पानी घुस गया। जब पानी घुस गया और कृष्णा छलांग लगा करके पानी के ऊपर में कृष्णा तैर रहे थे, जब तैर रहे थे पानी के ऊपर में, पानी जब उसको गुफा में घुस गया, घुसा में उसको तो नींद जग गया, देखा किसका इतना प्रताप, इसको ऊपर में कोई चिड़िया तक भी उड़ कर नहीं जा सकते, आसपास में कोई पेड़ पौधा भी नहीं, इसमें किसका हिम्मत है जो पानी में तैर रहा है, ये कौन है इतना हिम्मत। इतने में उसने धीरे धीरे जगा और जग करके अभी कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने जा रहा था। उनको पत्नी जग, हमें रोज रोज कीर्तन गाते ना, जय जग पत्नी जय नाग कन्याकर भक्ति ते जाहर पाइल गोविंद चरण। कहते ये लोग कृष्ण के बड़े भक्त थे, हैं ये जो नाग पत्नी और ये जग पत्नी, ये सबके सब कृष्ण के भक्त थे, भक्ति के द्वारा उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। अभी उसने समझाया निकले कोशिश किया पति को, इनके साथ में बैर मत ठहरा करो, ये भगवान बोले कहा गैया को पीछे पीछे ढूंढता रहता है, गैया मुझे कुछ भगवान है, ये भगवान भगवान कुछ नहीं, उसने तो अपना है तो अपना उसने पराक्रम दिखाया, निकल करके कृष्ण का है जो मर्म स्थान को उन्होंने दर्शन करने लग गया, काटने लग गया कृष्ण का मर्म जहाँ कोमल अंग है। लेकिन कृष्ण ने कहा भैया पहला बार तेरी है, फिर ऐसे नहीं सोचना हमें मौका नहीं दिया, हैं हमें मौका नहीं दिया, पहले तेरी मौका, तू जो कुछ करना कर ले,
वो अपना जी ज्ञान लगा करके जब दंशन किया कृष्ण को, कुछ भी नहीं आया, नहीं हुआ तो उसने कृष्ण का शरीर में पूरा के पूरा उसने लपेट गया कृष्ण के शरीर में। जब कृष्ण का शरीर में लपेट गया इतने में ब्रज में ना जितने अनहोनी होने लग गया, हाँ वहां पर खून की बारिश और कौवा काका गिरधक चिल्लाने लग गए हैं। वहां पर जितने पुरुष लोगों का जो बाम हाथ फड़कने लग गया, ये अपशगुन फड़कने लग गया, आग भाव हाथ फड़कने लग गया, वहां पर सारे अमंगल होने लग गया। और कृष्ण को पकड़ लिया देख करके तो वहां के जो कृष्ण के सखा और गया थे ना वही बेहोश हो गए, तो कृष्ण को तो कालिया ने पकड़ लिया। तो यहाँ पर कहते हैं क्या सचमुच से ये ब्रज में इसे अपशगुन क्यों दिखाई पड़ा? क्या कृष्ण के ऊपर कोई विपत्ति आ गया था? बोले नहीं, भगवान को कोई विपत्ति आ सकती है? और सारा दुनिया की मालिक उनके ऊपर भी विपत्ति आएगी। बोले फिर ब्रज में इसे अपशगुन के ऊपर क्यों दिख रहा था? बोले इसलिए दिख रहा था अपशगुन, ये जो सखा और गया थे वो कृष्ण विरह में सबके सब बेहोश हो गए हैं, ये सबके सब बेहोश हो गई। फिर ये लीला कैसे हो गया? इसने जो घुमाया नहीं सब चीज को दिखाया, लेकिन तत्वतः कृष्ण को कुछ भी नहीं हुआ। कृष्ण तो कह रहे थे तुम्हें जो कुछ करना तू कर ले, पहला मौका तेरा, बाद में मेरा मौका आएगा। फिर बोलने ऐसे सोचना नहीं मेरे को मौका नहीं दिया। इतने में सारे ब्रजवासी फिर कृष्ण का चरण चिन्ह को देख देख करके कृष्ण किधर गए, कृष्ण का चरण चिन्ह को देखते देखते कहाँ पर आए, जमुना किनारे में आए और देखा कालिया ने एकदम कृष्ण को पकड़ करके रखा। कृष्ण जैसे बेहोश है ना, कृष्ण तो ऐसे पड़े हुए। इतने में जितने ब्रजवासी थे कृष्ण विरह में मैया जसोदा तो उनसे बेहोश होकर गिर पड़ी, वो तो अचेत हो गई मैया जसोदा। और जितने ब्रजवासी सबके सब कृष्ण विरह में यमुना में प्राण त्याग करने जा रहे हैं, कृष्ण विरह में हम नहीं रहेंगे, प्राण को त्याग दे देंगे। लेकिन यहाँ पर बलदेव प्रभु सबको समझा रहे थे, बोले नहीं ऐसे मत करो, अभी कान्हा आने वाला है, अगर कृष्ण जब आएगा फिर अगर तुम मर जाओगे प्राण त्याग करोगे फिर कृष्ण को प्रेम कौन करेगा, कृष्ण फिर किसके साथ में लीला करेंगे, इसलिए ऐसे मत किया करो। सबको जोर जबरदस्ती रोक रहे थे हैं। इतने में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देखो परीक्षित, ये ब्रजवासियों का प्रेम तो देखो कैसे है, कृष्ण विरह में प्राण त्याग देना चाहते हैं। लेकिन जो द्वारका कृष्ण जो द्वारका में थे उस समय जो जांबवन ने जो श्यामंतक मणि को लेकर गुफा में चले गए थे, और इतने में कृष्ण तो अंदर में गए लेकिन कोई द्वारकावासी अंदर में डर के मारे नहीं गए, कृष्ण बोले तुम यहीं पर खड़े रहो मैं देखता हूँ। वो जाकर तो 8-8 दिन तक युद्ध किया और कुछ दिन द्वारकावासी खड़े होकर ना जब कृष्ण आए नहीं सोचे शायद कृष्ण मर गए और वहां से वापस चले आए, सबके सब वापस चले आए। बोले देखो ब्रजवासियों का प्रेम देखो, कृष्ण विरह में प्राण त्याग देना चाहते हैं, लेकिन द्वारकावासियों ने बोले शायद कृष्ण मर गए हो गए इसलिए वहां से वापस चले आए। बोले इनका प्रेम में कितने फर्क इनका प्रेम में। इतने में बलदेव प्रभु ने इशारा किया, बोले कृष्ण ये क्या तुम, अगर कृष्ण तो उसके साथ खेल रहे थे ना, थोड़ी लड़ रहे थे। बोले कृष्ण अगर खेलना तो अरे मेरे स्वरूप जो अनंत देव, बलदेव प्रभु कौन है, अनंत देव है, बोले मेरे एक स्वरूप अनंत देव है, अगर खेलना तो ये अनंत देव को मेरे साथ में खेलने तू ना, ये मरे गरे एक सांप के साथ में क्यों खेल रहे हो, देख तेरे विरह में ये सारे ब्रजवासी तेरे विरह में तो प्राण त्याग करने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी निकल कर क्या क्या उसको साथ में खेल रहे हो, जल्दी जल्दी निकलो, देख तेरे ब्रजवास में सब मरने जा रहे हैं। जब उन्होंने इशारा किया ना, इतने में बलदेव प्रभु कृष्ण उठे और उठकर क्या किया, अपना शरीर को उन्होंने मोटा किया। जो मोटा किया ना, कालिया का जो गांड था एक एक गांड टूटना आरंभ किया है, उसको टूटना आरंभ किया। जो टूटना आरंभ किया इतने में कृष्ण अपने शरीर को फुलाया और फुलाकर कृष्ण झट छोटे बन गए, झट निकल गए। और निकल करके क्या हुआ, उन्होंने कालिया के सर के ऊपर उन्होंने चढ़ गए और चढ़ करके उसका कितना फण था, 100 फण, और एक साथ में कालिया ने कृष्ण को काटना चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण हर सर को बचाते हुए एक सर से दूसरे से तीसरे से चौथे कृष्ण बड़े सुंदर वहां पर नृत्य कर रहे थे। कृष्ण कैसे नृत्य कर रहे थे, अभी कृष्ण को नाचने दो फिर हम अगली बार सुनेंगे कृष्ण काली को सर पर कैसे नृत्य करते हैं और ठाकुर जी कैसे लीला करते हैं। ठीक है, आजकल हम लोगों को जाना है सवेरे, इसलिए
जल्दी यहाँ विश्राम देते थे, ठीक है। आज हम लोग एक प्रोग्राम में गए थे, फिर सवेरे यहाँ सेमिनार, पुस्तकों पर भी सेमिनार हुई, इसलिए किसी भक्तों को विश्राम नहीं मिला, इसलिए हम जल्दी कथा को विश्राम कर देते हैं, फिर आगे कथा को सुनेंगे, ठीक है। बोले श्री कालिया भगवान की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, पिताई गौर ब्रह्मा बल हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राधा नाम जय निखिल प्रभु श्री कृष्ण।